दोस्तों हर हफ्ते तरह मैं सुरिंद्रपाल सिंह छियों स्टीपू की टीम तो इन सबसे लगे हाजिर हाँ। इस हफ्ते मार्केट अंदर काफ़ी एंगजाइटी देखने को मिली। ये एंगजाइटी हैगी रिगार्डिंग द डेट सीलिंग लिमिट, यानी अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग लिमिट जी वधाउणी हैगी आ, ये मोस्ट प्रॉबली फरवरी एंड या मार्च वधाउणी हैगी आ। और इस बारे ना सिर्फ कि पूरे एनलिस्ट की नज़र या पूरी दुनिया की नज़र, बल्कि कई रेटिंग एजेंसी की नज़र जी इस पर लगी हुई है। हालांकि एक रेटिंग एजेंसी फिच कंपनी ने जोड़ा है अमेरिका को वार्न भी किया है, जिन्होंने अपनी डेट सीलिंग लिमिट नहीं वधाई तो हो सकता है फिच जी है इन्हों की जी रेटिंग है और डाउनग्रेड कर दूगी। इस तो अलावा दोस्तों मार्केट के अंदर इस हफ्ते जो देखा जर्मनी के अंदर जोड़ा है, जर्मनी की जी इकानमी है फोर्थ क्वार्टर के अंदर जी श्रिंक हुई है, ये चीज़ भी बड़ा नैगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। इस करके देखा यूरोप की मार्केट जी काफ़ी थले नूगी। और चाइना के अंदर जोड़ा है इनफ्लेशन देखने को मिली, क्योंकि चाइना के अंदर जो इनफ्लेशन आई है तो हो सकता है चाइनीज़ बैंक जोड़े ने अपना इंट्रस्ट जोड़ा है वह वधा दे, तो ये की है कि चाइना के अंदर जी खपत है वह घट जूगी। इस करके भी मार्केट अंदर जोड़ा है तुम्हें देखा कि थोड़ी जी एंगजाइटी इस करके देखने को मिली। इस तो अलावा कैनेडा की दो कंपनियां जड़िया ने जी इस साल का जोड़ा है वो इन्हों 2013 मेक इट और ब्रेक इट है। वो कि दो कंपनियां ने खास तौर पर एक तो जी ब्लैकबेरी मेकर रिम और सैकेंड कंपनी जी है होम हार्डवेयर की कंपनी जी है रोना। ये दो कंपनियां जड़िया ने इस साल बड़ा उन्होंने टफ होएगा, आइदर दे गोना डू वेरी गुड और दे गोना ब्रेक इट। और रिम का जोड़ा है जनवरी 30 जोड़ा है अपना नवा मॉडल ब्लैकबेरी 10 लैके आ रहे हैं। इस करके तुम देखा पिछले हफ्ते रिम का शेयर जोड़ा है आलमोस्ट 24% जोड़ा है वो उत्ते गया सीगा, और ये जनवरी 30 आने पर लगेगा कि रिम का शेयर किस पासे पलटा खाता है। दोस्तों इस तो अलावा जे तुम इंश्योरेंस बारे RRSP बारे या RESP बारे लाइफ इंश्योरेंस बारे कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम तो बाद मेरा नंबर लैके कॉल कर सकते हैं।